हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से लगातार अदानी ग्रुप की कंपनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी को ऐसा झटका लगा कि वे अमीरों की सूची में तीसरे स्थान से 30वें स्थान पर आ चुके हैं। पोर्ट, हवाई अड्डा, खाद्य तेल, बिजली, सीमेंट और डाटा जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाले अदानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अदानी समूह की 10 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में इस दौरान 12.06 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम गिरावट आई है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड में 80.68% की गिरावट आई है। वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी में 74.62% की गिरावट आई है। वहीं अदानी ट्रांसमिशन में 74.21% की गिरावट आई है और अदानी एंटरप्राइजेज में 62% की गिरावट देखी गई है। अदानी ग्रुप की इन कंपनियों के अलावा अदानी पावर, अदानी विल्मर और सीमेंट कंपनियों में अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट के बाजार मूल्यांकन में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ NDTV और अदानी पोर्ट्स के मूल्यांकन में भी काफी नुकसान हुआ है। अगर गौतम अडानी की संपत्ति की बात करें तो वह $120 अरब से घटकर $40 अरब तक आ चुकी है। एक तरफ गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिर भारत के सबसे अधिक दौलत वाले व्यक्ति बन गए हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी $81.7 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स हैं। वहीं इस मामले को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट लैरी समर्स ने हाल ही में कहा था कि अडानी समूह पर आया संकट काल 2001 में अमेरिका में हुए एरन मूवमेंट की याद दिलाता है। क्या है एरन मूवमेंट? अदानी हिंडनबर्ग विवाद की तरह ही अमेरिका में एनरॉन मूवमेंट हुआ था। साल 2001 में इस अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरॉन में इसी तरह का घोटाला उजागर हुआ था। एनरॉन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सबसे खास कंपनियों में से एक थी। इसे स्टॉक एक्सचेंज की डार्लिंग कंपनी कहा जाता था। साल 2000 के आखिरी में इस कंपनी के खातों में हेरफेर, कर्ज को छुपाने की कोशिशों की बात सामने आई। जिस तरह से हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर खुलासा किया, ठीक उसी तरह से अमेरिका के शॉर्ट सेलर जिम चेनोस ने एनरॉन को लेकर खुलासे किए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।